बच्चे, कहानी सुननी है ना। कहानी का नाम है दर्जी और हाथी। एक दर्जी था, वह बड़ा दयालु था और बाजार में उसकी एक दुकान थी। दुकान से थोड़े दूर एक नदी थी। अब वहां एक हाथी रोज नहाने के लिए आता था। एक दिन हाथी नहाने के लिए आया, तब दर्जी ने उसको एक केला दिया। अब हाथी को अच्छा लगा। दूसरे दिन आया तो दर्जी ने उसे गन्ना दिया। ऐसे ही रोज हाथी नहाने के लिए आता था और दर्जी की दुकान की खिड़की में अपना सूंड बढ़ाता था और दर्जी उसे कभी गन्ना देते तो कभी उसे केला देता। ऐसे ही दोनों दोस्त हो गए थे। अब एक बार दुकान में दर्जी का छोटा बेटा अनवर बैठा था और रोज की तरह हाथी अपनी सूंड बढ़ाता है। अनवर को तो शरारत सूझी, उसने सुई हाथी की सूंड में चुभो दी। हाथी कुछ ना बोला, मगर उसे बहुत गुस्सा आया। वो तो नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद आते समय अपनी सूंड में गंदा पानी भर कर आया और उसने तो खिड़की से सारा पानी उलट दिया। अब वहां अच्छे कपड़े थे वो सब गंदे हो गए। तभी अनवर के पिताजी आए और पूछते ही अनवर ने सब सच सच बता दिया। तब अनवर के पिताजी ने कहा कि पशु बहुत भोले होते हैं, मगर वो प्यार और घृणा को अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए कभी किसी पशु को नहीं सताना चाहिए। अब अनवर को भी सीख मिल गई और वो भी हाथी का दोस्त बन गया। अच्छी लगी।